बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आहर्ष न्यूज़ चैनल और मैं हूँ आपका मेज़बान इरफान इम्तियाज़। एक बड़ी दिलचस्प और मुनफरद खबर के साथ हाजिर हुआ हूँ। खबर यह है कि जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि कबूतर को मनशियात समगल करने के केस में गिरफ्तार कर लिया गया है। जी बिल्कुल, और मनशियात भी बरामद कर ली गई है उससे। ये उससे भी बड़ी हैरानी की बात है। खबर ये खबर है कि कनाडा की, जो कि कनाडा के एक शहर में कबूतर को एक जेल के बाहर बार बार मुसलसल चक्कर काटते हुए देखा गया, और मुसलसल काफ़ी देर तक वो कबूतर उस जेल के साथ हवा में चक्कर काट रहा था, जिसके बाद उसको मशकूक जानते हुए पुलिस हुकाम ने उस कबूतर की पेशरफ्त करना चाहिए, उस पर तहकीक करना चाहिए, और उसके बाद उस कबूतर को पकड़ने की कोशिश की। काफ़ी देर कोशिश करने के बाद उस कबूतर को जो है वो पकड़ लिया गया। जब पकड़ा गया तो उस कबूतर के साथ वाकई में एक पॉकेट नमाज, थाली नमाज, छोटी सी एक पकड़ लगी थी और एक जेब लगी थी, जिसमें और 30 ग्राम जो है वो चर्स जो है वो बरामद की गई उसमें। जी बिल्कुल, आपने ठीक सुना। और कैनेडियन हुकाम और कैनेडियन जो पुलिस हुकाम की जानब से उस कबूतर को फिर पकड़ लिया गया, और उस मनशियात को स्मगल करने के बाद, उसको निकाल लेने के बाद उसको फिलहाल जो है ताहम उस कबूतर को छोड़ दिया गया है। लेकिन अब ये उसके साथ जो जेल में जितने भी मुजरम थे, जितने भी कैदी थे, उन पर तहकीक शुरू कर दी है। उसके बाद सब के तहकीक की जा रही है कि इस कबूतर को ट्रेन किसने किया और मनशियात को लेके आने में और स्मगल करने में किसका किरदार था। तहकीक की जा रही है कि इस कबूतर को किस कैदी ने ट्रेन किया था कि वो मनशियात यहाँ तक ला सके, और फिर किस तरह से ट्रेन करके उस कबूतर को बाकायदा तौर पर जो है इस काबुल बनाया गया था कि वो मनशियात यहाँ पर ला रहा था। तो इस पर यह तहकीक अभी जारी है, लेकिन जो कबूतर है उसको ताहम जो है उस पर थोड़ी तहकीक करके उसको छोड़ दिया गया। फिलहाल रहा कर दिया गया कि जब ज़रूरत पड़ेगी दोबारा से ले आएंगे, उस मालिक को बुला लिया जाएगा जिसका ये कबूतर है। इससे जुड़ी जो भी खबर होगी आहट न्यूज़ आपको ज़रूर जो है अपडेट करेगा। लेकिन जो तमाम तर जो कैदी हैं उस जेल के अंदर, उस पर भी हकाइक पे उस पर तहकीक जो है वो शुरू कर दी गई है। अब तमाम तर हकाइक क्या हैं इससे रिलेटेड, और इसमें कौन वाकई कोई कैदी मुलव्वस है या नहीं, ये इस पर जो मजीद तहकीक है वो सामने आएगी और वही दिखाएगी। इसके साथ अपने मेज़बान इरफान इम्तियाज़ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।